She knows the child. वे जीव मात्र के हृदय में प्रेरणा प्रदान करते हैं। प्रसंग बहुत कठिन और सृष्टि वाला था, वही प्रसंग चल रहा है बहुत संक्षेप में। आगे रस तत्व का अनुभव करेंगे, इसलिए संक्षिप्त में यहां पाठ कर रहे हैं। श्री स्वरूप गोस्वामी जी ने अनुरुद्ध तत्व का क्षीरोध शायद तृतीय पुरुष उनका स्वरूप अब वर्णन किया और अपने कर्चा ग्रंथ में उन्होंने कहा है यस्यांशांशांश परम परात्मा खिलाना पोष्टा विष्णुर्भात दुग्धाब्धि शायी क्षौणी भर्ता यत्कला सोप्यनंता तम श्री नित्यानंद राम प्रपत्ति यस्य माने जिन श्री बलराम के अंश अंश हुए श्री संघर्ष उनके अंश हुए श्री प्रद्युम्न और उनके अंश माने श्री अनुरुद्ध। तो अंशांशांश तीन बार अंशांश अंश का प्रयोग किया, इसका मतलब है जिनके अंश के अंश के अंश श्री क्षीरोदशायी श्री विष्णु है। परात्मा खिलाना जो अखिल जड़ चेतन इनकी आत्मा होकर के विराजमान है और पोष्टा उनका काम है श्री विष्णु का क्षीरोदशायी का जगत का पोषण करना। विष्णु धाति विष्णु माने जो सब के भीतर व्याप्त होकर के विराजमान है, विष धातु में स्नुच प्रत्यय लग करके विष्णु शब्द बनाए हैं अर्थात जो व्यापक हो उसका नाम विष्णु। वे कहा रहते हैं बोले दुग्धाब्धशायी दुग्ध समुद्र में क्षीर समुद्र में शयन करने वाले हैं। क्षोणी भरता और उनके जो अंश हैं वे कैसे हैं अर्थात श्री अनंत वे अनंत हैं। क्षोणी भरता पृथ्वी का भी भरण करने वाले अर्थात उनके सिर के ऊपर शेष भगवान के जो शास्त्र खाने हैं उनके एक फण के ऊपर पृथ्वी रखी हुई है। यह कला वे श्री अनंत जिनकी कला होकर के विराजमान है। सोप्यनंता उनका नाम अनंत है। तम श्री नित्यानंद राम प्रपत्ति उन श्री नित्यानंद राम श्री नित्यानंद रूपी बलराम उनकी हम शरणागति ग्रहण करते हैं। नारायण नाभि नाल मध्य तो धरणी धरणी मध्य सप्त समुद्र ये गण। अब श्री नारायण की नाभि के मध्य में ब्रह्मांड नाल विराजमान है। चतुर्दश भवन जिसमें विराजमान ऐसा नाल ब्रह्मा की जो ऐसा जो ब्रह्मांड है वो ब्रह्मांड श्री नारायण की नाभि में विराजमान है। तो नारायण की नाभि में से एक कमल की नाल निकली और उसके मध्य धरणी विराजमान है। धरणी के भीतर पृथ्वी के भीतर सात समुद्र विराजमान है। कितना भार भगवान की नाभि में जो ही विराजमान है। तहां क्षीरोदाध्य मध्य श्वेत दीप नाम उसमें क्षीर समुद्र आदि के मध्य में कोई श्वेत द्वीप विराजमान है। पाले ता विष्णु पाले से ही निज स्थान पालन करने वाले
विष्णु का वो धाम है। चौदह भवनों में एक भूलोक, भूलोक में पृथ्वी और पृथ्वी में सात समुद्र, उन सात समुद्रों में एक क्षीर समुद्र, क्षीर समुद्र में भी श्वेत द्वीप, श्वेत द्वीप में श्री विष्णु विराजमान। परंतु ध्यान रखना चाहिए क्षीर समुद्र और श्वेत द्वीप ये चिन्ह है प्राप्त नहीं। सकल जीवेते हो है अंतर्यामी, वे श्री विष्णु संपूर्ण जीव के अंतर्यामी हैं। जगत पालक ते हो जगते स्वामी, वे जगत के पालक हैं, जगत के स्वामी भी हैं, जगत का पालन करने वाले भी हैं और जगत के स्वामी भी हैं। युग मन्वंतरे करे नाना अवतार, धर्म संस्थापन करे अधर्म समाप्त। इस प्रकार युग मन्वंतर में वे अनेक अनेक अवतार, प्रतियुग मन्वंतर में वे अनेक अनेक अवतार करते हैं और धर्म संस्थापन करे अधर्म संभार, वे धर्म की स्थापना करते हैं अधर्म का संहार करते हैं। धर्म की स्थापना करके अधर्म का संहार करने के लिए वे श्री विष्णु तत्पर है। देवगण नहीं पाए यहां दर्शन, क्षीरोद करता याई करें स्तवत, क्षीरोद तीरे याई करें स्तवत। बड़े बड़े देवतागण उनका दर्शन नहीं पाए। जिस समय कृष्ण जन्म के पहले सब देवता गए, उस समय क्षीरोद के तीर पर जाकर के उन्होंने भगवान का स्तवन किया और स्तवन करने पर भी श्री विष्णु भगवान का दर्शन उनको नहीं हुआ। तबे अवतार करे जगत पालन, तब वे अवतार धारण करके जगत का पालन करते हैं। अनंत वैभव तार नाहिक गौरव, इस प्रकार श्री विष्णु भगवान, अनिरुद्ध का प्रसंग चल रहा है, भगवान अनिरुद्ध का, तो वे भगवान अनिरुद्ध अनंत वैभव धारण करते हैं और उनके अनंत वैभव की कोई सीमा नहीं है, अनंत वैभव का कोई गिनती नहीं हो रही है। से विष्णु है यार अंशेद अंश, ये जो विष्णु है ये विष्णु तो श्री संकर्षण बलराम, मूल बलराम रोहिणी नंदन, उन रोहिणी नंदन श्री बलराम प्रभु के अंश के अंश के अंश होकर के विराजमान है। से प्रभु नित्यानंद सर्व अवतंश, वे प्रभु नित्यानंद है और वे सबके अवतंश माने मुकुटमणि होकर के विराजमान है। माने जितने भी बलराम अवतार, बलराम अवतारों के मुकुटमणि होकर के श्री नित्यानंद प्रभु विराजमान। श्री बलराम प्रभु नित्यानंद प्रभु एक है, तो ये बलराम नित्यानंद से प्रभु नित्यानंद सर्व अवतंश, वे प्रभु नित्यानंद ही सबके अवतंश होकर के विराजमान है, सबके शिरोमणि होकर के विराजमान है। से विष्णु शेष रूपे धारण धारणी, अब वो विष्णु ही शेष का स्वरूप धारण करके पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। कहा आचे नहीं शिर हे नहीं जाने, और इतनी बड़ी पृथ्वी जिसमें सात समुद्र सात द्वीप सारे विराजमान हैं, वो पूरी की पूरी पृथ्वी उनके सिर के ऊपर रखी है, फण के ऊपर रखी है, उनको पता ही नहीं है कहाँ रखी हुई है। श्री संकृष्ण भगवान उन शेष भगवान को पता ही नहीं है कि वो पृथ्वी कहां रखी हुई है, ये नहीं जाने। सहस्त्र विस्तीर्ण या फराण मंडल, श्री विष्णु भगवान ने शेष भगवान अनंत उनके फणों का मंडल जो है वो सहस्त्र विस्तीर्ण हजारों तरफ फैला हुआ है,
सूर्य जन मणि कौन कर झलमर और वे हजारों फण करोड़ों सूर्य के समान झलमल झलमल करते हुए विराजमान हैं। उन प्रत्येक फण के ऊपर मणि विराजमान है, वो मणि झलमल झलमल करती हुई विराजमान। तो सूर्य जिन मणिगण करे झलमल, सूर्य के समान उसके ऊपर मणिगण झलमल कर रही हैं। पंचाशत कोटि योजन पृथ्वी विस्तार, 50 करोड़ योजन का पृथ्वी का विस्तार है। पंचाशत कोटि 50 करोड़ योजन का पृथ्वी का विस्तार, यही एक फण रहे सरसत आकार। ऐसी पृथ्वी तो सरसत माने सरसों के आकार में उन शेष भगवान के ऊपर रखी हुई है। ब्रह्मांड का विस्तार वो जो है वो है 100 करोड़ योजन का, इस पर 50 करोड़ योजन तो नीचे गया जल में, और फिर 50 करोड़ योजन में पूरी पृथ्वी आ गई। उस 50 करोड़ योजन के भीतर फिर आधा आकाश आधी पृथ्वी ऐसा माना जाता है। तो यार एक फणे रहे सरसत आकार, ऐसी पूरी की पूरी 50 करोड़ योजन की पृथ्वी वो जहां केवल सरसों के आकार में विराजमान है। सही तो अनेक शेष भक्त अवतार, ईश्वरेर सेवा बिना नहीं जाने आप। ऐसे अनंत शेष विराजमान हैं, तो अनंत देव भगवान के एक अंश हैं और वे भक्त अवतार होकर के विराजमान हैं। श्री अनंत भगवान श्री कृष्ण की सेवा के बिना और कुछ भी नहीं जानते हैं, भगवान की सेवा के बिना और कुछ नहीं जानते हैं। शास्त्र वदन से परे कृष्ण गुणगान, कृष्ण के गुणों का गान करते हैं, निर्वध गुणगान अंत नहीं पान, निरंतर निरंतर गुण करते हैं और उनके गुणों का अंत नहीं है। सन काल भागवत सुनिल ज्ञान मुखे, शेष भगवान जिस समय पाताल लोक के भी नीचे आप श्रीमद् भागवत को सुनाते हैं, उस समय सन काल भागवत सुनिल ज्ञान मुखे, सन काल उनके मुख से सुनते हैं भागवत। भगवान ने गुण कहे भाषे प्रेम सुखे, और भगवान के गुणों का वर्णन करते हुए प्रेम सुख में भासे माने डूब जाते हैं, वे प्रेम सुख में ही डूब जाते हैं। प्रेम सुखे भासे या सुखे, प्रेम सुखे भासे माने डूब जाते हैं प्रेम सुख। छत्र पादुका शैया उपधान बसन, आराम आवास यज्ञ सूत्र सिंहासन, शेष भगवान सारे स्वरूपों को धारण कर लेते हैं। मन वे छत्र बन जाते हैं, वे पालका बन जाते हैं, वे ही जरूरत पड़े तो शैया बन जाएंगे, वे ही उपाधान माने तकिया बन जाएंगे, वे ही वस्त्र बन जाएंगे, वे ही आराम माने बगीचा बन जाएंगे, आराम माने बगीचा, आवास माने वे ही महल बन जाते हैं शेष भगवान। यज्ञ सूत्र माने जनऊ बन जाएंगे, वे ही सिंहासन बन जाएंगे। एक मूर्ति भेद पर कृष्ण सेवा पर इतनी सारी मूर्ति भेद धारण करके वे श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, इसलिए कृष्ण शेषता
पाया शेष नाम धारी। इस प्रकार कृष्ण की शेषता, शेष कहते हैं उपकारी, कृष्ण के उपकारी बनने के कारण उनका नाम अनंत है, शेष है। माने कृष्ण की दिव्य रूप में सेवा करने के कारण वे, कृष्ण के उपकारी होने के कारण वे अनंत देव कहलाते हैं। तो कृष्ण की सेवा उपयोगी दिव्य, इनके द्वारा वे कृष्ण की सेवा करते हैं, इसलिए शेषता मन उपकार्य होने के कारण उनका अनंत देव ये नाम है, अनंत स्वरूप धारण कर लेते हैं। सहित अनंत यार कहीं एक कला, वे अनंत श्री बलदेव की एक कला मात्र है। हे प्रभु नित्यानंद के जाने तार खेला, ऐसे अनंत ऐश्वर्य से युक्त श्री नित्यानंद प्रभु हैं, उन नित्यानंद प्रभु की खेला माने पीड़ा को कौन जान सकता है। ऐसे श्री नित्यानंद प्रभु हैं, वे ऐसे जो अनंत शेष भगवान, वो जिनकी एक कला मात्र होकर के विराजमान, ऐसे नित्यानंद प्रभु की खेल को कौन जान सकता है। यही सब प्रमाणे जाने नित्यानंद सीमा, ताहते अनंत कही की का तार महिमा। इस प्रकार वर्णन करने का एक इशारा मात्र कर दिया, यही सब प्रमाणे जाने नित्यानंद सीमा, इन सब प्रमाणों के द्वारा श्री नित्यानंद प्रभु की सीमा को जानो, ताहा के अनंत कहीं की तार सीमा, उनको हम अनंत कह रहे हैं, उन अनंत की सीमा का क्या निरूपण किया जाए, उनकी उन अनंत की बस ताहा के अनंत कहीं, बस उनको केवल अनंत, इसीलिए उनको अनंत भी कहा जाता है। तो वास्तविक सीमा को कोई जान नहीं सकता है, इसलिए केवल उनको अनंत कह करके ही, यथा नाम वैसे ही गुण, उनको अनंत कहकर के ही संबोधित कर दिया जाता है। वे अनंत रूप में अवतरित हुए, अवतार अवतारी अभेद ये जाने, पूर्व ये श्री कृष्ण के हो का हो परिमान। अवतार और अवतारी इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। दोनों एक होकर के विराजमान है। तो अथवा ये वचन भक्त के और भक्तों की जानकर मैं ये मानता हूं कि सब बात संभव है, तो नित्यानंद प्रभु अवतारी हैं और अनंत देव उनके अवतार हैं, और अवतार अवतार में कोई भेद है नहीं, इसलिए इस बात को अवतार और अवतारी दोनों अभिन्न होते हैं, इसको सब लोग जानते हैं। इसलिए श्री कृष्ण के संबंध में कोई कृष्ण से के विषय में जो भी कहे उसको हम मान लेंगे। अवतार अवतारी अभेद ये जाने, पूरे श्री कृष्ण के कहे काहो कर्म मान। श्री कृष्ण के विषय में जो कुछ भी कह दे उसको मान लेना चाहिए। कृष्ण की महिमा के विषय में जो भी कह दे, श्री बलदेव की महिमा के विषय में जो जैसा कह दे उसको वैसा ही मान लेना चाहिए। इसमें विवाद करने की जरूरत नहीं, ये ऐसा कैसे है, ऐसा कैसे है, ऐसा कुछ नहीं मानना चाहिए। अवतार और अवतार इनमें कोई भी अंतर नहीं है, इनके विषय में जो जैसा वर्णन कर रहा है
वैसा ही चुपचाप मान लेना चाहिए कृष्ण के अनंत अवतार। यहां पर कह रहे हैं कि इन सब प्रमाणों से श्री नित्यानंद तत्व की वास्तविक सीमा जानी जा सकती है, परंतु जो उनके केवल अनंतदेव कहते हैं अर्थात अनंत देवी नित्यानंद के रूप में अपने हुए ऐसा कहते हैं, तो ऐसा कहने से उनकी कुछ महिमा ही प्रकट होती है क्या? अर्थात पूरी महिमा प्रकट नहीं होती है, अथवा ये वचन भक्ति के जानकर मैं इस बात को सत्य मानता हूं कि यह बात संभव भी हो सकती है, क्योंकि वस्तुतः नित्यानंद अवतार ही है और अवतार और अवतारी में कोई भेद नहीं है, अवतार और अवतारी अभिन्न होते हैं यह सब कोई जानता है। पहले श्री कृष्ण अवतार के संबंध में भी कोई कृष्ण को कुछ और कोई कुछ और कहता है, और कृष्ण सबके अवतार ही हैं, इसी प्रकार श्री नित्यानंद भी सबके अवतार हैं। ये यहां पर माने कहने का मतलब ये है कि कोई कुछ लोग ये कहते हैं कि श्री नित्यानंद प्रभु अनंत के अवतार, और कुछ लोग कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु श्री बलराम के स्वरूप है, तो एक कंट्रडिक्शन हो गया, एक विरोध हो गया। कुछ लोग कहते हैं अनंत के अवतार है, कुछ कहते हैं कि स्वयं बलराम है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं दोनों बातें सही है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं ये भक्ति के वचन है और अवतार अवतार में भेद नहीं है, इसलिए अब चाहे उनको हम बलराम का अवतार कहें और चाहे हम उनको बलराम के अंश के अंश के अंश के अंश कला रूप अनंत का अवतार कहें, बात में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कुल मिलाकर के तो वे बलराम ही कहलाएंगे, क्योंकि अंशी और अंश इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। इस प्रकार ये नित्यानंद तत्व अत्यंत अत्यंत पूर्ण होकर के विराजमान है। श्री अनंत देव वे भी श्री बलराम के ही स्वरूप हैं और श्री नित्यानंद प्रभु बलराम के ही साक्षात स्वरूप होकर के विराजमान है। केह कहे कृष्ण साक्षात नर नारायण, केह कहे कृष्ण है साक्षात ब्रह्म। अब जैसे कृष्ण के विषय में कुछ कोई कुछ भी बात कहे सबको हाँ करनी पड़ेगी, हम निषेध नहीं कर सकते। कोई ये कहे कि कृष्ण निसंग है, कोई गलत थोड़ी कह रहा है, यह तो सही रहा है, क्योंकि अवतार और अवतार में कोई भेद नहीं है, और श्री नृसिंह के विषय में भी कृष्ण शब्द का कोई प्रयोग कर रहा है तो वो गलत नहीं कर रहा है कि नृसिंह ही कृष्ण है, ऐसा ये कोई कह रहा है तो गलत थोड़ी कह रहा है। तो केह कहे कृष्ण साक्षात नर नारायण, कोई कह रहे हैं कि कृष्ण साक्षात नर नारायण है, अवतारी सर्वावतारी श्री नर नारायण है, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं। आजकल तो माने बड़ा प्रसिद्ध संप्रदाय है स्वामीनारायण गुजरात ये अक्षरधाम वाले दिल्ली में और माने अहमदाबाद में सब जगह अक्षरधाम, वे जो स्वामीनारायण संप्रदाय है वो स्वामीनारायण संप्रदाय बिल्कुल यही कहते हैं कि श्री स्वामीनारायण जो श्री नर नारायण के स्वरूप में हैं, बद्रीनारायण के स्वरूप में हैं, वे साक्षात कृष्ण हैं और वे नर नारायण को सर्व अवतार करके मानते हैं उनकी पत्नी। तो ऐसा तो अवतार अवतार में भेद नहीं है,
यहाँ पर ये कह रहे हैं कोई खंडन किसी का नहीं किया जा सकता है। अवतार अवतारी इन दोनों में कहीं कहीं कोई भेद नहीं है, इसलिए किसी भी अवतार को कृष्ण कहा जा सकता है और अंत में जाकर के कोई भी अवतार ही किसी भी अवतार की पूजा करें, सबकी पूजा होकर के अंत में कृष्ण की पूजा होगी और कृष्ण के जो गुण हैं वे उस अवतार में भी कहीं स्थापित किए जा सकते हैं। तो केह कहे कृष्ण साक्षात नर नारायण, कोई कहते हैं कृष्ण ही साक्षात नर नारायण है और नर नारायण और कृष्ण में अंतर नहीं, जैसे श्री स्वामी नारायण संप्रदाय वाले कहते हैं, वे वहां के मानने वाले कहते हैं कि श्री स्वामी नारायण जी ही साक्षात नर नारायण होकर के विराजमान है और वे कृष्ण ही है सर्वावतार होकर के विराजमान है। केहो कहे कृष्ण है साक्षात बाणों, कोई ये कह रहे हैं कि कृष्ण ही साक्षात बाण है, और बाण और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। केहो कहे कृष्ण क्षीरोदशाही अवतार, कोई ये कह रहे हैं कि क्षीर समुद्रशाही विष्णु उनके ही कृष्ण अवतार है, विष्णु के अवतार है, असंभव नहीं सत्य वचन सभा, इनमें किसी के भी वचन असत्य नहीं है, सबके वचन सत्य है। इसको देखेंगे यहां पर अनुवाद में कह रहे हैं कि कोई कहते हैं कि कृष्ण नरनारायण का अवतार है, कोई कहते हैं कि कृष्ण साक्षात बामन है, कोई कहते हैं कि श्री समुद्रशाही विष्णु का ही अवतार बताते हैं, इनमें कुछ भी असंभव नहीं है, सबके वचन सत्य है। माने अवतार अवतारी में भेद न मान करके कोई कृष्ण को उन अवतार से अभिन्न मान लेते हैं, कोई उन अवतार को कृष्ण का अवतार मान, कोई तो बामन को कृष्ण का अवतार मानेंगे कि बामन कृष्ण के अवतार है, कोई ये कहेंगे कि कृष्ण और बामन दोनों एक है, और इस तरह से बामन की ही नाम से वे पूजा करेंगे। तो ऐसे सब वस्तु कही जा सकती है। कृष्ण स्वयं भगवान है, संपूर्ण अवतारों के आश्रय हैं, वे अवतीर्ण होते हैं। अब निर्णय की बात कर रहे हैं, कृष्ण यज्ञ अवतरे सर्वांश आश्रय, सर्व अंश आसित तले कृष्ण ते मिले, कृष्ण स्वयं भगवान है और जब कृष्ण का अवतार होता है उस समय जितने भी उनके अंश हैं वे अंशी में आकर के मिल जाते हैं। सब लोग अपनी अपनी भावना के अनुसार उनका वर्णन करते हैं, परंतु असंभव कुछ भी नहीं है। जब कृष्ण स्वयं अवतार धारण करते हैं तो सारे अवतार उन्हीं में आकर के विराजमान हो जाते हैं। ये रूपे जाने से ही तहा कहे, इसलिए जो जिस रूप में जानता है वो उसी रूप में उनका वर्णन करने लगता है। ये रूपे जाने, जो जिस रूप में भगवान का दर्शन करता है उसी रूप में उनका वर्णन करता है। सकल संभव है कृष्ण ने कछु मिथ्या नहीं, कृष्ण में सब कुछ संभव है, कोई भी मिथ्या नहीं है। अतएव श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई, अतएव श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई सर्व अवतार लीला परे सभाए ने देखा है। इसी तरह से स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में सब अवतारों के रूप में वे दिखते हैं, और ये सर्वत्र प्रकाशित है, इसको पढ़ रहे हैं कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं,
सर्व भगवत अवतारों के आश्रय हैं। जब वे अवतीर्ण होते हैं तब सब अंश अर्थात भगवत स्वरूप श्री कृष्ण में आकर मिल जाते हैं। माने कृष्ण का जब अवतार होता है तो जितने भी अवतारी का अवतार होगा तो जितने भी अंश हैं वो भगवान में आकर के मिल जाएंगे। तो आगे लिख रहे हैं, अपनी अपनी भावनानुसार जो भक्त जिस भगवत स्वरूप का दर्शन उनमें करता है वह भक्त उसी भगवत स्वरूप की कथा कहने लगता है। माने कृष्ण में किसी ने वामन रूप को देखा तो कृष्ण को वामन रूप में उनका वर्णन करने लगेगा। किसी ने नरनारायण के रूप में कृष्ण को देखा तो वो नरनारायण के रूप में कृष्ण का वर्णन करने लगता है। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। अतएव स्वयं भगवान ने कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में सब अवतारों को दिखाया। जैसे श्रीमद् महाप्रभु कभी वराह रूप में दिखे, कभी श्री महाप्रभु में नृसिंहदेव दिखे, कभी शिव दिखे, तो इत्यादि अनेक भगवत स्वरूपों की लीलाएं जीवों को दिखाई। इससे प्रमाणित होता है कि स्वयं भगवान में सब भगवत स्वरूपों का समावेश हो जाता है। उनमें जितने भी स्वरूप है वो स्वरूप सब दिख जाते हैं। दोबारा सुने, केर कहे कृष्ण साक्षात नर नारायण। कोई कहता है कि कृष्ण ही नर नारायण है, कोई कहता है कृष्ण है साक्षात वामन। श्री कृष्ण ने साक्षात वामन रूप में कृष्ण प्रकट होते हैं। कोई कहते हैं कृष्ण साक्षात क्षीरोदशायी रूप में है, तो कोई कहे कृष्ण क्षीरोदशायी अवतार, क्षीरोदशायी के अवतार है, तो कोई उनको नारायण का अवतार कहता है, कोई वामन का अवतार कहता है, कोई क्षीरोदशायी का अवतार कहता है। असंभव नहीं, सत्य वचन सभा असंभव नहीं है, सबके वचन ही सत्य। कुल मिलाकर के निष्कर्ष जो है वो ये है कि अवतार अवतार में अभेद है। तो अवतार अवतार में अभेद होने के कारण यदि कोई अवतार को ही अवतारी रूप में निरूपण करने लगे तो इसमें बुरा नहीं मान।